गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं नहा धो के हो चुकी हूँ रेडी। मैंने नाश्ता वास्ता भी किया नहीं है, घर का ही काम कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पहले वीडियो में बना लेती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिल पाता मुझे और तबीयत भी मेरी थोड़ा ठीक नहीं रहती आजकल, तो ऐसे ही। और झाड़ू पोछा सारा मैंने घर का काम कर लिया है। मैंने सोचा थोड़ा सा अपने दोस्तों से बात कर लेती, फिर बच्चे आ जाते, फिर मेरे बच्चे फ़ोन नहीं देते हैं, ब्लॉग बनाने नहीं देते हैं, तो फिर क्या करें, बना लेती हूँ अभी, फिर बच्चे आएंगे, फिर देखते हैं, फिर मिलते हैं। सो फ्रेंड, मैं ना सोती रह गई और मुझे नींद आ गई और मैं बहुत सारे काम भूल गई आज। आज मुझे बाहर भी जाना था और भूल गई, सोती रह गई, नींद का पता ही नहीं चला कब। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं इसलिए जल्दी उठना पड़ता है, रात को कितने 11-12 बज जाते सोते सोते और नींद का पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई और आज मैंने कितने सारे काम बिगाड़ लिए। जय माता रानी की। सही से नहीं लगाया। और मेरी बेटी देखो मेरे साथ साथ, वो भी सो गई, मैं भी सो गई, नींद ही पड़ गई मुझे, बाहर भी जाना था। आज मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी सच में, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था। मम्मी ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी मैंने यार सच में। खुश हो गया। आपको किस चीज की खुशी हो रही है मेरे से, मेरी गड़बड़ से? मुझे फोन देखने को मिल गया। अच्छा हाँ, मैं सो गई थी तो आपको फोन देखने के लिए मिल गया, ये बात है। बच्चों के मजे आ गए भाई, गेम खेलते है ना। हाँ तो फ्रेंड्स, शॉर्ट्स बना के मैंने डाल दिए हैं और आप लोग जाकर देखना प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आजकल मेरे बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे शॉर्ट्स में, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, मन दुखी हो जाता है ऐसे में, बनाने का भी मन नहीं करता फ्रेंड्स। तो आप लोग जाकर देखना प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और आज मैंने टी शर्ट और पजामा पहना है और खाना मैं अब खाने जा रही हूँ, मुझे इतनी तेज़ भूख लगी थी, मैंने सोचा कि शायद शाम को मैं वीडियो डालती हूँ लेट से, शॉर्ट्स डालती हूँ तो इसलिए व्यूज़ नहीं आते होंगे, इसलिए मैंने आज थोड़ा जल्दी डालने की कोशिश करी। बच्चे स्कूल से आए हुए थे, थके हुए थे, मेरी गुड़िया देखो सोने के लिए बोल रही थी और मैंने सोने नहीं दिया। फ्रेंड्स, मेहनत तो कम से कम आप लोग देखा करो प्लीज़, जो नहीं देखते उनके लिए कह रही हूँ, जो देखते हैं तो उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल भरा प्यार भरा धन्यवाद। और अब मैं खाने जा रही हूँ, दाल और चावल बनाए मैंने और अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, अब मैं खाना खाने जा रही हूँ और आप लोग शॉर्ट्स देखने जाओ। शॉर्ट्स देखने जाना मत भूलना, मुझे फोन चाहिए, बाय। तो फ्रेंड्स देखो, मेरे बाबू मुझे परेशान कर रहा है और मैंने जैसे ही बोला कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ वैसे ही मेरे बाबू सो गया। देखो, अरे यार मुझे बार बार हंसी की आदत थी। और देखो एक मेरी बेटी देखो कैसे सो रही है, हंसी आ रही है। हंसी आ जाती है मुझे, बहुत परेशान करता है ये लड़का मुझे, बहुत ज्यादा। मैं नहीं करता, दीदी करती है ना। और वो पता अभी अभी ये मुझे लेटे लेटे परेशान कर रहा है, बहुत ही ज्यादा गंदा है ये। कुछ कहना चाहोगे आप फ्रेंड्स इसके लिए? मम्मी फ्रेंड्स तो नहीं कहना चाहेंगे, मैं कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी थोड़ी ना थैंक्स फॉर, जब देख लेंगे पूरी तभी तो बोलोगे। जुकाम हो रहा है देखो मां। मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। ओहो, ज्यादा तारीफ कर दी शायद आपकी कुछ, है ना? हाँ, इसीलिए बोलने के लिए शब्द खत्म हो चुके हैं। हाँ। तो मेरा बन चुका है रात का डिनर, चावल रोटी सब्जी दाल, और मेरा बाबू बेचारा खाने से पहले ही सो चुका है, देखती उठा के एक बार उठेगा तो, क्योंकि कमज़ोर बहुत है और थोड़ा सा खाना खिलाना भी बहुत ज़रूरी है। देखती हूँ, मेरे बाबू को चावल पसंद है इसलिए मैंने थोड़े चावल भी ला रखी हूँ,
कि मेरा बाबू चावल खाता है, उसके दांत में वैसे भी आजकल बहुत दर्द हो रहा है तो रोटी खा नहीं पाता है सही से। देखते हैं उठाते हैं इसको क्या करता है ये लड़का। बाबू 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 उठता ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं। जब इसको नींद में उठाओ ना तो उठेगा ही नहीं। देखो अब मैंने जब सो रहा था तो मैंने बोला था कि बाबू मैं दाल चावल खिला देती हूँ आपको, तो बोला अभी टाइम नहीं हुआ और अब सो गया। अब कैसे बेचारा खाना खाएगा। बाबू उठो बाबू। चलो फ्रेंड्स मैं खाती हूँ खाना, रात के बज चुके हैं 11:30 और आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक फॉर वॉचिंग।